Hello viewers, myself Dr. Rajiv Namdev, in charge of automobile engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College, Indore, welcomes you all diploma engineering students in the subject hydraulic and pneumatic control system. Our today's chapter is continuity equation, ye jisko hindi mein hum bolte hain satat samikaran. In the last section we viewed fluid properties, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ फ्लूड एंड टाइप्स ऑफ फ्लूड फ्लो. पिछले दो वीडियो में हमने देखा फ्लूड के गुण, फ्लूड आदर्श फ्लूड, संख्यात में प्रश्न किए कुछ, फ्लूड के प्रकार और फ्लूड प्रवाह के प्रकार. टुडेज स्टफ, इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी डिस्चार्ज या विसर्जन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या सहती संरक्षणता का नियम, कंटिन्यूटी इक्वेशन सतत समीकरण इसका कथन और डेरिवेशन, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. पहले बात हम करते हैं डिस्चार्ज की. तो डिस्चार्ज या विसर्जन, इसका उपयोग फ्लूड के प्रवाह की दर को मापने में होता है. डिस्चार्ज इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूड. जहां रेट लग जाए मतलब आपको डिवाइड करना है टाइम से. तब हम इसका फार्मूला देखें. डिस्चार्ज की बात करें हम तो इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन टाइम, या विसर्जन बराबर आयतन बटे समय. मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो Q इक्वल्स टू कैपिटल V अपॉन T. वॉल्यूम जो है वो हम MKS में क्यूबिक मीटर में और CGS में क्यूबिक सेंटीमीटर में लेते हैं. तो इसकी यूनिट्स होगी, जब भी फार्मूले के साथ यूनिट्स लिखी जाती ब्रैकेट में लिखी जाती है. तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखी है Q बराबर V कैपिटल V अपॉन स्मॉल T, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड और क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड. इनके बीच में ब्लू कलर से लिखा है लीटर पर सेकंड. तो यहाँ पर लीटर के बारे में मैं बताऊँ कि जब हम दूध खरीदते हैं तो वो लीटर में खरीदते हैं, तो वो क्यूबिक मीटर चूंकि बहुत बड़ा हो जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर या जिसको हम ml बोलते हैं मिलीलीटर, वो छोटा हो जाता है, तो हम लीटर में बात करते हैं. तो इसी प्रकार से इसमें भी डिस्चार्ज जो है क्यूबिक मीटर पर सेकंड, लीटर पर सेकंड या क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड. डिस्चार्ज का एक और फार्मूला होता है, उसको अब हम देखते हैं. क्यू बराबर हमने पढ़ा कैपिटल वी अपान स्मॉल टी. वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ, स्मॉल ए इंटू एल अपान टी. या हम स्मॉल ए को अलग लिखें और एल अपान टी करें तो एल अपान टी हमारा हो जाता है वेलोसिटी. तो क्यू बराबर ब्लू कलर से देखिए आप लिखा है फार्मूला, दो फार्मूले, क्यू इक्वल्स टू कैपिटल वी अपान टी इक्वल्स टू ए इंटू वी. अब हम ए इंटू वी की यूनिट देखें. क्यू इक्वल्स टू ए इंटू वी, एरिया मीटर स्क्वायर में, वी मीटर पर सेकेंड में, तो इट विल बी क्यूबिक मीटर पर सेकेंड. मीन्स बोथ फार्मूले आर सेम, दोनों का हम वहाँ उपयोग करेंगे जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी उसका. तो इस प्रकार से हमें डिस्चार्ज में, अगर हम हिंदी में बोलें तो एक तो हमें मिला था कि यह आयतन का समय से अनुपात है. अब इसको हम ये भी कह सकते हैं कि विसर्जन जो होता है वो क्षेत्रफल और वेग का गुणनफल होता है, और डिस्चार्ज इक्वल्स टू एरिया इंटू वेलोसिटी. हमने डिस्चार्ज की तीन यूनिट देखी थी, अब हम उस पर डिस्कस करें. क्यूबिक सेंटीमीटर बड़ा होता है, आप जानते हैं सेंटीमीटर छोटा सा, मीटर बड़ा, तो क्यूबिक मीटर क्या हो गया, बड़ा. अब क्यूबिक मीटर पर सेकंड में यदि हम 1000 का भाग लगा दें या 10^-3 का गुणा कर दें तो हमको मिलेगा लीटर पर सेकंड, और यदि हम 10^-6 से गुणा कर दें तो हमें मिलेगा क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड. तब हम सेंट्रलाइज करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं, हम सेंटर करते हैं लीटर पर सेकंड में. इसको हम LPS भी लिखते हैं. यदि LPS से हमको क्यूबिक मीटर पर सेकंड में जाना है तो आप देखेंगे क्यूबिक मीटर पर सेकंड जो है वो बड़ा होता है, तो लीटर पर सेकंड में आपको क्या करना होगा, 1000 का गुणा करना होगा, 1000 का भाग लगाना होगा, तो क्यूबिक मीटर पर सेकंड में पहुंच जाएंगे. जैसे मान लीजिए 1 लीटर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/1000 क्यूबिक मीटर पर सेकंड. और यदि क्यूबिक सेंटीमीटर जाना है तो 1 लीटर बराबर हो जाएगा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड. तो इस तरीके से हमने देखा डिस्चार्ज की परिभाषा, इट इज़ द रेट, इट इज़ यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूड, या इसका उपयोग फ्लूड के प्रवाह की दर को मापने में होता है, क्योंकि दो फार्मूले कैपिटल वी अपॉन टी बराबर स्मॉल ए इंटू वी, और इसकी यूनिट क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, लीटर पर सेकेंड, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, और उनमें आपस में कन्वर्जन. अब हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या सहती संरक्षणता का नियम. इट स्टेट्स दैट मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. इसके अनुसार सहती को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है. चूँकि यूनिवर्सल लॉ है तो हमको उनको एज इट इज एक्सेप्ट करना है विदाउट एनी प्रूफ. तो अब हम यहाँ पर आएँ
मास की बात हो रही, तो हम मास के बारे में जानते हैं, ये केजी इसकी यूनिट होती है। और यदि हम फार्मूले के रूप में लिखें तो सतह बराबर घनत्व इंटू आयतन, या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, या मैथमेटिकल रूप में लिखें तो स्मॉल एम इक्वल्स टू रो इंटू वी। अब इसकी यूनिट देखें, रो की होती है केजी पर क्यूबिक मीटर और वी की होती है क्यूबिक मीटर, तो ये हो गया केजी। अब ये सॉलिड के केस में तो मास केजी में चलता है, लेकिन फ्लूड जहाँ पर फ्लो हो रहा हो वहाँ पर मास नहीं बल्कि मास फ्लो रेट काम में आता है। तो फ्लो रेट फिर से आ गया, मतलब हम एम में टी से भाग लगा देंगे। सतह बटे समय या मास पर यूनिट टाइम, इसी को हम सतह प्रवाह की दर बोलेंगे। इसमें एम और इसमें लिखा है एम डॉट, एम के ऊपर एक डॉट लगाना है, यहाँ मैंने साइड में लगाया, आप ऊपर ही लगा दें एम डॉट, तो अभी हो जाएगा एम अपान टी। तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएट हो जाएगा मास फ्लो रेट और मास में। तो एम डॉट इक्वल्स टू एम अपान टी, या इसकी यूनिट हो जाएगी के जी पर सेकेंड। अब हम इसको फिर से देखें, एम की वैल्यू रख दें एम डॉट में, तो रो इंटू वी अपान टी, रो इंटू ए इंटू एल अपान टी, रो इंटू ए इंटू एल अपान टी, और रो ए इंटू वी। तो हम एक फार्मूले पर पहुँचे कि एम डॉट का जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे एम अपान टी, इसका बहुत रेयरली यूज़ होगा, बट एम डॉट इक्वल्स टू रो ए इंटू वी के जी पर सेकेंड, इसका उपयोग हम कंटिन्यूटी इक्वेशन के डेरिवेशन में करेंगे। तो ये हमारा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन की स्लाइड है, ये पूरी की पूरी आपकी एग्जाम में आती है। प्रश्न आता है कि आप कंटिन्यूटी इक्वेशन का कथन लिखें तथा इसको इक्वेशन बताएं। तो आपको कथन भी है और इसमें इक्वेशन भी डिराइव की गई है, तो ये पूरा पूरा आपको लिखना है। पहले हम कथन पर आते हैं, हम इसका कथन शुरू करेंगे कि इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सतह संरक्षणता के नियम पर आधारित है। अब इसको एक ही स्टेटमेंट है इन तीनों को, लेकिन तीन अलग अलग लाइन में इसलिए लिखा है जिससे आप गौर करें कि कोई चीज़ छूट ना जाए। अकॉर्डिंग टू द कंटिन्यूटी इक्वेशन, सतह समीकरण के अनुसार, इफ नो फ्लूड इज एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम द पाइप इन एनी लेंथ, देन द मास पासिंग अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन विल बी द सेम। यदि पाइप की लंबाई में कोई फ्लूड ना तो मिलाया जाए और ना ही निकाला जाए, तो विभिन्न काट क्षेत्रफल पर सहमति समान होती है। बस ये इसका कथन है एज इट इज। तो इसमें क्या हुआ, जो मास इन हो रहा है वही मास आउट होगा। यहाँ पर मास की जगह मास फ्लो रेट एम डॉट इन एम डॉट आउट, यदि बीच में हम कोई ऐड या रिमूव ना करें तो। अब हम इसके डेरिवेशन करना है। इसके डेरिवेशन में आपको चित्र बनाना पड़ेगा। टेपर्ड पाइप है, सेक्शन पहला 1-1 है, दूसरा 2-2 है। 1-1 पर फ्लूड इन हो रहा है, 2-2 से फ्लूड आउट हो रहा है, और बीच में यहाँ पर कोई भी फ्लूड ना इन हो रहा है ना आउट हो रहा है। अब इसको आप लिखेंगे भी वर्ड्स में, क्या लिखेंगे कि लेट एरियाज वेलोसिटी एंड डेंसिटीज एट क्रॉस सेक्शन 1-1 एंड 2-2 आर A1 स्मॉल V1 रो 1 एंड A2 स्मॉल V2 एंड रो 2 रेस्पेक्टिवली फॉर गिवन फिगर। दिए गए चित्र के अनुसार माना कि काट क्षेत्रफल 1-1 एवं 2-2 पर क्षेत्रफल वेग एवं घनत्व क्रमशः A1 V1 रो 1 एवं A2 V2 रो 2 है, तो सतह संरक्षणता के नियम के अनुसार क्या होगा कि एम डॉट इनलेट विल बी इक्वल्स टू एम डॉट एग्जिट। तो अब हम इसको डेराइव करते हैं। हमने अभी अभी पिछली स्लाइड में देखा था कि एम डॉट मतलब रो इनलेट पर क्या है सेक्शन 1-1, तो यहाँ जाएगा रो 1 A1 V1, और एग्जिट पर क्या है हमारा सेक्शन 2-2, तो यहाँ पर क्या जाएगा रो 2 A2 V2। ये सतह संरक्षणता के नियम के अनुसार। अब हम ये भी जानते हैं कि फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूड रो 1 बराबर होता है रो 2 के बराबर रो, क्यों, क्योंकि ये असंपीड़ित होते हैं या इनकम्प्रेसिबल में होता है, जहाँ पर कि घनत्व जो है वो हमारा स्थिर रहता है या रो कांस्टेंट होता है। तो इस केस में हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब A1 B1 बराबर A2 V2, या बराबर क्या हो जाएगा AV, और हम AV बराबर Q पढ़ चुके हैं, तो Q बराबर AV इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसको हम कंटिन्यूटी इक्वेशन या सतत समीकरण के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से जब एग्जाम में आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन के बारे में लिखने को आए, यदि कथन लिखने को आए 2 या 3 नंबर का, तो आप सिर्फ स्टेटमेंट लिखें कि यदि कोई फ्लूड में फ्लो हो रहा है, कोई ऐड नहीं होता, रिमूव नहीं होता, तो हर क्रॉस सेक्शन पर इसकी जो मास फ्लो रेट होगी दैट विल बी कांस्टेंट। और यदि डेरिवेशन आए तो आपको चित्र बनाना है, चित्र में जो आप सिंबल यूज़ करेंगे उनका मतलब भी लिखना है, जैसे A1 मतलब एरिया है, रो मतलब डेंसिटी है, वी मतलब वेलोसिटी है, फिर इसके बाद सतह संरचना का नियम लगाएंगे एम डॉट इनलेट इक्वल्स टू एम डॉट एग्जिट, और उसकी वैल्यूज रख देंगे तो आपको मिल जाएगी कंटिन्यूटी इक्वेशन क्यू इक्वल्स टू स्मॉल ए एरिया इंटू वेलोसिटी स्मॉल वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब हम इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं।
पहला न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल देखिए मैंने बताया कैसे करते हैं कि गिवन डेटा लिख देते हैं, जो जो दिया है वो हम लिखते जाते हैं, जो पूछा जाता है उसको फाइंड आउट या ज्ञात करना है। मैं शुरू करता हूँ। 1 4 सेंटीमीटर व्यास का पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, तो क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, और क्या लिखा है व्यास, मतलब डी डायमीटर या डी व्यास से हम बताते हैं। अब यहाँ पर मैंने ये भी बोला था कि जैसे ही सेंटीमीटर है तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, क्योंकि हमको जो कन्वर्जन लाना है मीटर टाइम सेकेंड, लेंथ मीटर, मास केजी और फोर्स न्यूटन, तो ये हो जाएगा 4/100.04 मीटर। यदि पानी का वेग 2 मीटर प्रति सेकेंड हो तो वी बराबर वेलोसिटी दी गई है 2 मीटर पर सेकेंड, लिखा ही है वेग वेलोसिटी, तो पाइप में प्रवाहित पानी का विसर्जन ज्ञात करें, विसर्जन मतलब क्यू ज्ञात करना है। तो अब इस केस में हमारे पास फार्मूला है क्यू बराबर ए इंटू वी, लेकिन हमको ए नहीं दिया बल्कि क्या दिया है डी। तो हम जानते हैं कि जब पाइप सर्कुलर है तो सर्कुलर का एरिया होता है पाई बाई फोर डी स्क्वायर, तो पहले हम फार्मूला लगाएंगे ए इक्वल्स टू पाई बाई फोर डी स्क्वायर, डी की वैल्यू 0.04 रखेंगे और हमको एरिया मिल जाएगा। फिर हम इस एरिया को वैल्यू को q इक्वल्स टू ए इंटू वी में रखेंगे, तो एरिया की जगह पर हमने एरिया की वैल्यू रखी, वेलोसिटी की जगह पर वेलोसिटी की वैल्यू 2, तो इस तरीके से हमको आया 0.025 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। क्यूबिक मीटर क्यों, क्योंकि हमने सब मीटर में लिया है, लेकिन हमको आंसर जो देना है वो क्यूबिक मीटर पर सेकंड में नहीं बल्कि हमको देना है लीटर पर सेकंड में, मैंने बताया था। और इसके लिए हम इसमें क्या करेंगे, 1000 से भाग लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2.5 लीटर पर सेकंड। तो अभी हमने इस फार्मूला में देखा क्यू बराबर ए इंटू वी में कि क्यू कैसे निकाले। अब हो सकता है अगले सवाल में आपको एरिया निकलवाए या वेलोसिटी निकलवाए, यानी तीन चीज़ें हैं। एक फार्मूला ए इक्वल्स टू पाई फोर डी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो ए डायरेक्ट नहीं देता या डायरेक्ट नहीं पूछता, वो डायमीटर देता है या डायमीटर पूछता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, एक पाइप में से 100 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी प्रवाहित हो रहा है। 100 लीटर पर सेकंड मतलब क्या हो गया हमारा क्यू, लीटर पर सेकंड को हम क्यूबिक मीटर पर सेकंड में बदलेंगे कैसे, 1000 से भाग लगा करके, तो ये हो जाएगा हमारा 0.1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। यदि पानी का वेग 10 मीटर पर सेकंड हो तो वी कितना है 10 मीटर पर सेकंड, तो आपको पाइप का व्यास ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है डी। तो पिछले सवाल में हमने क्या किया था, पहले फार्मूला लगाया था ए वाला क्योंकि डी दिया था, लेकिन अब ए वाला बाद में लगाएंगे, पहले हम लगाएंगे क्योंकि हमको क्यू दिया और वी दिया, तो पहले हम लगाएंगे क्यू बराबर ए इंटू वी, तो ये हमारा हो जाएगा क्यू की वैल्यू 0.1 ए इंटू 10, तो ए की वैल्यू आ गई 0.01 स्क्वायर मीटर। वैल्यू के साथ आप यूनिट लिखना आदत डालें। अब दूसरा फार्मूला, चूँकि डी चाहिए हमको, ए तो चाहिए नहीं, तो हम ए का फार्मूला लगाएंगे पाई बाय फोर डी स्क्वायर, यहाँ पर ए की वैल्यू 0.01 रखेंगे तो डी स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपकी 0.0127, फिर इसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो डी की वैल्यू हो जाएगी 0.1127 मीटर। अब आप इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, तो 100 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 11.27 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से अभी मैंने बताया, पहले सवाल में मैंने बताया कि क्यू की वैल्यू निकालना, तो वो क्यूबिक मीटर सेकंड में निकलेगी, लीटर पर सेकंड में आंसर देना है। और यदि एरिया या वेलोसिटी पूछे तो वो क्यू की वैल्यू लीटर पर सेकंड में देगा, उसको आप सवाल के लिए बदलें क्यूबिक मीटर पर सेकंड में, सिंपली 1000 से भाग लगा करके, और आप यहाँ पर हमने डायमीटर निकाला है, हो सकता है वेलोसिटी निकलवाए। तो ये दूसरा सवाल था। तीसरी वैरायटी और आ सकती, वो हम देखते हैं। अब ये बोल रहा है कि एक पाइप का व्यास 100 mm से 50 mm हो जाता है, मतलब ये क्या है, जो हमने फिगर देखा था एक तरफ डायमीटर बड़ा था एक तरफ छोटा, तो बड़ा वाला डायमीटर जो है हमारा 100 है और 50 है, जब दो डायमीटर आ जाए तो आप D1 D2 मान लें उनको, तो D1 बराबर 100 mm बराबर हो जाएगा 0.1, 100 mm mm में दिया सेंटीमीटर में नहीं राइट, तो 100/1000 करना होगा 0.1 mm, और इसी तरह से 50 mm को 1000 करेंगे तो 0.05 मीटर। तो ये हो गया। यदि इसमें से 100 लीटर पर सेकंड की दर से पानी बह रहा है, लीटर पर सेकंड आ गया 100, तो मतलब कितना हो जाएगा ये 1000 से भाग लाएंगे 0.1 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। तो दोनों व्यासों पर गति निकालिए, तो आपको V1 और V2 पूछा है। अब इसमें फार्मूला हमारे पास ये की है, A बराबर पाई बाय 4 डी स्क्वायर और Q बराबर क्या है, अब चूंकि 1 2 आ रहे हैं तो A1 V1 बराबर A2 V2, क्योंकि पिछले दो सवाल में केवल A और V था, लेकिन यहाँ पर दो डायमीटर दे रहा है तो दो एरिया निकलेंगे, दो वेलोसिटी निकलेंगी। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चूंकि हमें डायमीटर दिए हैं 100 और 50 mm, तो हम इनको मीटर में बदलने के बाद A1 और A2 निकालेंगे। पाई बाय 4 D1 स्क्वायर, पाई बाय 4 D2 स्क्वायर, 0.1 रखा, 0.05 रखा, तो हमारी वैल्यूज आ गई A1 की और A2 की। फिर हम फार्मूला रखेंगे क्यू इक्वल्स टू A1 V1, तो जब हम इसमें रखेंगे तो हमको V1 आ गया 12.74 मीटर पर सेकेंड। देखिए आप यूनिट ज़रूर लिखना है। और दूसरा हम रख देंगे क्यू बराबर A2 V2,
इसमें रखेंगे तो V2 आ जाएगा 51.02। ये जो सेकंड स्टेप है, Q बराबर A1V1 रखा, फिर Q बराबर A2V2, आप इसकी जगह पर, अथवा ये जो V2 निकाला इसकी जगह पर आप A1V1 बराबर A2V2 भी रख सकते हैं, क्यों ना रखें, क्योंकि आपको A1 A2 दिया है और V1 आप निकाल चुके हैं 12.74, तो डायरेक्ट आप इसमें रख दें तो भी आपको V2 निकलेगा और वही वैल्यू आएगी जो कि Q से आ रही है। तो दोनों में से कोई सा भी फार्मूला आप लगा दें तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये न्यूमेरिकल कर सकते हैं। सिंपल सा इस पूरे वीडियो में कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्यू बराबर A1V1 बराबर A2V2 बराबर कांस्टेंट और A=π/4d², सिर्फ दो फार्मूला लगाने से आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो आज हमने पढ़ा डिस्चार्ज या विसर्जन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या संयती संस्थिरता का नियम क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन या संतत समीकरण क्या है, और उस पर बेस्ड तीन न्यूमेरिकल्स देखे। इन द नेक्स्ट सेशन हम पढ़ेंगे व्हाट नेक्स्ट, एनर्जी और एनर्जी हेड, ऊर्जा एवं ऊर्जा शीर्ष क्या होते हैं, एनर्जीज इन फ्लोइंग फ्लूइड, किसी भी बहते हुए फ्लूइड में कौन कौन सी ऊर्जाएं होती हैं। हमने इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा, अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, और यहाँ पर हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी, हम अगली बार बर्नौलीज़ थ्योरम पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो थैंक यू ऑल।